एंड गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग। अभी दोपहर के 12 या 12:30 हो रहे हैं और यहाँ पर हम लोग तैयार हैं, निकलने वाले हैं। बहुत दिन बाद निकलने वाले हैं गाइस, तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है। कशिश भी तैयार हो गई है, कशिश तैयार हो गए, प्रशांत भी रेडी हैं। और आज सुबह मैंने बहुत सारी बेडशीट वॉश करी थी, तो प्रशांत वो हेल्प कर रहे हैं सुखाने में, सारी बेडशीट डाल रहे हैं इधर। और मफिन भी रेडी, मफिन भी हेल्प कर रहा है। मफिन रेडी नहीं, उसका सामान नहीं रखा अभी तक। अच्छा, मफिन का सामान जल्दी जल्दी पैकअप कर लेते हैं। मफिन आज खेलने वाला है पूरा दिन रुद्रांश के साथ, उसे मफिन के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। और जाते समय मैं सोच रही हूँ कि टेलर के पास भी हो आती हूँ। ये वाली साड़ी है मेरे पास, सिल्क की साड़ी, ये मामी ने मुझे सनी भैया की शादी में गिफ्ट करी थी, तो इस साड़ी को मैं सोच रही हूँ प्रिपेयर करा लेती हूँ पूरी। ये रेड और मेहरून वाला कलर नहीं होता, बड़ा ही प्यारा सा कलर है। तो इस साड़ी के साथ ब्लाउज इसी में ही है रनिंग में, तो सोच रही हूँ उसको भी स्टिचिंग के लिए डाल देती हूँ। और साथ में मेरे एक और ब्लाउज पड़ा हुआ है, मैंने काफ़ी सारे इन दिनों ना डिज़ाइनर ब्लाउज सिलवाए हैं, अगर आप लोगों को देखने हो तो बताना, तो वो आपके साथ फिर कभी शेयर करूँगी। क्योंकि अभी फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं ना, तो काफ़ी सारी साड़ियाँ हैं जो मुझे रेडी करानी है। तो आज मैंने ये वाला जंपसूट पहना है, दिखाती हूँ आपको, दूर से पूरा दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, ये वाला पहना है, एक बार ना गोवा में पहना था मैंने, तब आप लोगों ने देखा होगा, रोम्पर भी बोलते हैं कुछ लोग। तो इस पर ना लीव्स बन रही हैं, थोड़ा सा समरी है ये, तो अच्छा लगता है समर के टाइम पे। और सेकंड टाइम पहन रही हूँ इस बार, और इसमें कंफर्टेबल भी बहुत महसूस करते हैं। तो पूरा दिन ना जैसे मॉल वगैरह जा रहे हो, तो जीन्स या तो जीन्स वगैरह पहन लो या फिर इस टाइप के रोम्पर डाल लो, तो कंफर्टेबल रहते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ ट्राई ना करनी हो, अगर बार बार ट्रायल रूम यूज़ करना है, तो मैं एडवाइस नहीं करूँगी कि रोम्पर या जंपसूट पहनो। उससे क्या है कि बार बार उतारने और पहनने में दिक्कत होती है। तो हम लोग निकल लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ना थोड़ा थोड़ा हम लोग सोच रहे हैं कि एक एक पराठा खाकर जाएं घर से, जिससे कि जब तक वहाँ पे पहुँचे तो भूख ना लगे। तो प्याज के पराठे बनाए हुए हैं, वही हम लोग बस लंच में थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। बाय द वे, आज का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा सनी वेदर है, बिल्कुल भी क्लाउडी या रेनी नहीं है। तो सनी वेदर में घूमना थोड़ा सही रहता है, रेनी में थोड़ी ऐसा लगता है मेरे को, रेनी में मुझे घूमना अच्छा लगता है, लेकिन गाड़ी में ही चक्कर लगा के ऐसे वापस आ जाओ। क्या बात है, आज कुछ अलग सी लग रही है। आज मेरी हाइट आपके साथ मैच कर रही है ना, आज इन्होंने हाई हील्स पहनी है। हाँ, हाई हील्स पहनी, इसके साथ हील्स ही अच्छी लगती है। फ्लैट पहनोगे तो वो पैरों में आता रहेगा बार बार। तो जल्दी से वो कर लो, खाना खा लो ना, अच्छा नाश्ता कर लो। तो बहुत दिनों से दिमाग का मूड सही नहीं चल रहा था, तो मैंने कहा कि चलो आज मैं तुमको कहीं घुमा के लेके आता हूँ, थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग कराता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है आगे, क्या क्या दिलाता हूँ क्या नहीं दिलाता हूँ। वैसे इसका बर्थडे का गिफ्ट अभी तक नहीं दिलाया मैंने। सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, तो आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली जाना बहुत कम हो पाता है हम लोगों का, लेकिन आज मन किया कि दिल्ली का कोई मॉल देखते हैं, कोई मॉल नहीं बल्कि हमें पता है कौन सा देखना है, क्योंकि काफ़ी फेमस है और वो मॉल हम कभी भी नहीं गए। तो सोचा कि ये वाला DLF मॉल नोएडा का तो हम लोग बहुत बार जा चुके हैं और पूरा हमारा एक्सप्लोर किया हुआ है, तो आज जाकर साकेत दिल्ली में मॉल हैं काफ़ी सारे। आज हम लोग जा रहे हैं DLF मॉल, बट नॉट नोएडा वन, आज हम जा रहे हैं दिल्ली के DLF मॉल, DLF प्रोमनाड, और साकेत में है ये। वी आर हियर, काफी बड़ा है ये मॉल, दूर से ही ऐसा लग रहा है। इसमें सारी ब्रांड्स हैं, लुई विटॉन, प्राडा, YSL, गुची, YSL का नहीं पता लेकिन गुची तो दिख रही थी, और लुई विटॉन की भी सामने ही दिख रही थी।
मैं बहुत खुश हूँ अभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर जाके दिखाती हूँ आपको। मैं यहाँ पर अगर बात करूँ आपसे तो सारी लग्जरी ब्रांड्स हैं यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर मॉल है, काफ़ी अच्छा है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर। तो गाइज ये है रीमा, इनका खुशी वाला चेहरा आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे। फाइनली मुझे मेरे बर्थडे का गिफ्ट मिल गया। इनको फाइनली इनके बर्थडे का गिफ्ट मिल गया। अभी हम लोग जा रहे हैं DLF प्रोमेनाड मॉल। सुशांत कॉफी पिलाओ यार। अंदर तो चलो। आज मैंने सालों बाद टू फेस देखा, टू फेस का स्टोर, और यहाँ पर मैं ज़रूर ट्राई करना चाहती थी। मैं एक अच्छा कंसीलर ढूंढ रही थी, टू फेस का मैंने कंसीलर ऑलरेडी ट्राई करा हुआ है लेकिन वो रन आउट हो गया था। अब मैं आजकल जो यूज़ कर रही हूँ वो मिलानी का है। इसके बाद हम लोग आ गए थे बाथ एंड बॉडी। बाथ एंड बॉडी भी एक अच्छा स्टोर है जहाँ पर आपको परफ्यूम और कहते हैं कैंडल्स, सेंटेड कैंडल्स तो यहाँ की अमेजिंग होती हैं, आप ट्राई ज़रूर करना कभी जाओ तो। मतलब मुझे बाथ एंड बॉडी की सेंटेड कैंडल्स और कहते हैं घूमते घूमते छोटी छोटी वाली जो भूख नहीं होती है वो लगाई थी, और इवनिंग का टाइम था तो कॉफ़ी भी पीने का दिल कर रहा था। हम लोग रुक गए थे आंट एनी पे, तो यहाँ पे चलिए थोड़ी सी स्नैकिंग, पेट पूजा, थोड़ी सी भूख लगाई थी हम लोग। मैंने लिया है कॉर्न मशरूम सैंडविच, और कशिश और रीमा ने लिए हैं प्रेजल, क्लासिक प्रेजल। मुझे भी तो टेस्ट करा दूँ। अक्टूबर मंथ मेरे लिए तो बहुत स्पेशल होता है क्योंकि प्रशांत और कशिश दोनों का बर्थडे आता है अक्टूबर में, तो कशिश यहाँ पर अपने लिए बर्थडे की कोई ड्रेस ढूंढ रही थी, अगर पसंद आ गई तो ले लेगी। बट पता है मैं सोच रही थी कि मैं कोई ड्रेस देखूं अपनी बर्थडे के लिए, वरना मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करनी पड़ती है हर बार, बट यहाँ पे वो स्टोर है काजो जिससे मैंने पहले भी ड्रेसेस खरीदी हुई है। लेकिन ये वैसी वाली होगी कि बेकरी की शॉप हमें दिखाई दे जाए ना तो ऐसा होता ही नहीं है कि हम लोग कुछ वहाँ से लेके ना आए, क्योंकि हम लोगों को बेकरी के आइटम बहुत ज़्यादा पसंद है। मज़ा आ गया बिल्कुल स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में से। गाइस इट्स टाइम टू रिलैक्स अ लिटिल बिट, अब हम लोग लौटेंगे और सब लोग थक चुके हैं टांगे तोड़वा तोड़वा। तो आज हम लोग 12:30 बजे निकले थे और हमें आना था दिल्ली, तो दिल्ली आते आते हमें 1.25 घंटा तो लग गया, और फिर हम लोगों ने एंट्री करी, उसके बाद अभी बज रहे हैं 7, और अभी जब थोड़ी देर पहले प्रशांत अपनी गाड़ी की स्लिप ले रहे थे ना पार्किंग वाली, तो उसमें वो लिखा हुआ आ रहा था 5 घंटे आपकी गाड़ी खड़ी रही यहाँ पर, तो मैं सोच रही थी कि सच में हमें 5 घंटे लग गए आज मॉल में। 5 घंटे बहुत होते हैं, और 1.5 घंटा आने का 1.5 घंटा जाने का। फिर आ गए मम्मी। हेलो।
फाइनली घर वापस आ गए। मफिन भी आ गया है। 8 बज रहे हैं। सवा घंटा जाने का, सवा घंटा आने का, इतना टाइम तो लगता ही है। हाँ। और दो, बट आज पूरा दिन बहुत एंजॉय किया। दो ऐसी चीजें लेकर आए ना हम लोग जो खाने में मजा आया। एक तो कशिश की चॉइस की लेकर आए। हाँ। ये लोग वहाँ से कुछ खरीद तो रहे थे। ये कोई एक नया फूड स्टोर था, पता नहीं उसका नाम क्या है। इस पे तो नहीं लिखा हुआ। इस पे रेसिपी पे होगा। कशिश को परसों का सपना पूरा हो गया उसे। हाँ। उसे किमची ट्राई करनी थी, किमची जो कोरियन अचार होता है। आजकल तो बच्चों को क्या हो गया है पता नहीं, मतलब कोरियन शोज, कोरियन कपड़े, कोरियन ब्रांड, मतलब हर चीज। अब ये भी इसे दिख रही, ओह माय गॉड, मतलब किमची नूडल्स है। और किमची वैसे क्या होता है, पिकल होता है। हाँ? जैसे हमारे पिकल होते हैं ना वैसे ही तैयार किया जाता है। हाँ। जिसे आप चावल के साथ या फिर नूडल्स के साथ ट्राई कर सकते हो। बहुत कम है, पता नहीं कशिश पानी डालना पड़ेगा, हॉट वाटर डाल के बनता है ये। मुझे बस ट्राई करना था क्योंकि मैं जितने भी शोज देखती हूँ मैंने देखा उसमें लोग हमेशा एक सीन होता है जिसमें लोग ये रामेन खा रहे होते हैं। तो मैं वैसे तो मंगाते हैं इंडियन वाली, लेकिन ये किमची वाला फ्लेवर था तो सर दोनों चीजें मिल गई। हाँ, और ये वेज भी है तो इस वजह से मैंने ले ली वेज किमची। मसाले भर के। और माफी भी यहाँ पे बैठा हुआ है, पेशेंटली देख रहा है कि क्या क्या लाए हम। और ये देखिए, ये है हर्ब पिज्जा बेस, जो थिन क्रस्ट पिज्जा बेसिस हैं। हम 4 लाए हैं क्योंकि हम लोग को बहुत पसंद है। तो फाइनली मेरा बर्थडे का गिफ्ट मुझे मिल गया। मेरा बर्थडे था 16 अगस्त को और अभी पूरा एक महीना बीत चुका है। मैंने अपना बर्थडे इस बार सेलिब्रेट नहीं किया था, लेकिन प्रशांत को था कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट में दूंगा। और बहुत दिन से मेरे पीछे भी पड़े हुए थे कि मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, तुम अपनी पसंद की कोई भी चीज़ ले लेना। तो मैंने इनको बोल रखा था कि मैं बहुत ज़्यादा अपना एक पर्स है जो यूज़ करती हूँ, आपने देखा ही होगा ये वाला ब्लैक पर्स। ये ऑलमोस्ट आपने मेरे हर वीडियो में ही देखा होगा। मैं बाहर निकलती हूँ तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ क्योंकि ना इसका इसके साथ में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल महसूस करती हूँ। काफ़ी यूटिलिटी की चीज़ है। हाँ, एक्चुअली ये क्रॉस बॉडी बैग है ना, तो मुझे इसी टाइप का कोई क्रॉस बॉडी बैग चाहिए था जो इसी की तरह कंफर्टेबल हो। ये जो है ये भी माइकल कोर्स का ही है ये वाला पर्स, और ये इसे मुझे यूज़ करते हुए 4 हो गए हैं। गाइस 4 में इस पर्स में कुछ भी खराब नहीं हुआ है। कहाँ से खरीदा था, इंडिया से या यूएस से? ये यूएस का है तो फिर तो बहुत टाइम हो गया। हाँ, 4.5 हो गए होंगे। जब मैं आई थी तभी मैंने खरीदा था, जब मैं यूएस से लौट रही थी तब। ये और एक और पर्स है जो बड़ा हैंड बैग है, वो भी ब्लैक कलर का है, आपने उसे भी देखा होगा वीडियो में, वो भी माइकल कोर्स से खरीदा था मैंने। एक्चुअली बिल्कुल परफेक्टली फाइन है अभी भी, और अभी भी 4 बाद। मतलब यूजुअली आप देखते हो पर्स बहुत जल्दी उनकी लेदर जो होती है बाहर की खराब हो जाती है, खराब वाइट होने लगता है, प्रॉब्लम बहुत सारी हो जाती है। लेकिन इसमें सिर्फ बस थोड़ी सी कलरेशन की अब जाके प्रॉब्लम शुरू हुई है, वो भी गोल्ड में, वो भी गोल्ड में है, इस वजह से हो रही है। अदरवाइज आप अभी भी यूज करोगी इसे? मैं तो करूंगी, मेरा तो बहुत फेवरेट पर्स है। तो मैंने फाइनली ये वाला पर्स चूज किया है। थैंक यू प्रशांत, इट्स ओके, मेरे बर्थडे का इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। और ये मेरे और कशिश और प्रशांत तीनों की पसंद से मैंने लिया है। ये भी क्रॉस बॉडी है, थोड़ा डिफरेंट लिया है क्योंकि ब्लैक तो ऑलरेडी ये है और इसमें ज्यादा जितना है। ये इसका डिजाइन रहने वाला है और ये सिग्नेचर पर्स है, क्योंकि सिग्नेचर पर्स पता है कौन से कहलाते हैं, जिनके ऊपर ब्रांड जो है इस तरीके से लिखी होती है उसे सिग्नेचर पर्स कहते हैं। तो ये पर्स में ना सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी, इसमें ना पॉकेट्स बहुत है, एक ये पॉकेट है, एक ये पॉकेट है, फिर बीच में ना आपको जिप मिल रही है, खुलने वाली भी और वैसी भी है। तो ये देखिए, तो जैसे पैसे वगैरह रखने हो, कुछ महंगी चीज रखनी हो तो जिप वाले में रख लो। और आजकल मोबाइल जो है आगे की साइड वाले, आगे साइड पीछे भी है इसमें, एक और पीछे, और भी पीछे है। भी है, और साथ ही साथ ये बॉक्स वाले शेप में है क्योंकि आजकल ये स्टाइल चल रहा है। हाँ। तो ये एकदम सिंपल सोवर स्लीक सा है, लेकिन थोड़ा सा इसको एनहांस करने के लिए लुक को इसमें ये गोल्ड चेन दे रही है। देखा जाए तो इससे तो फैंसी बड़ा भी है, थोड़ा फैंसी भी है और फैंसी भी है। तो फाइनली मुझे तो अपना पर्स बहुत पसंद आया। और मैंने एक बहुत ही यूटिलिटी वाली चीज़ खरीदी है जिसको मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगी, इतनी बेसिक है। तो बहुत ही बेसिक सा मैंने वाइट टॉप लिया है, लिटरली कुछ नहीं है, बस एक वेस्ट है। कशिश तू ज़ारा जाके एक बनियान खरीद के लाई, लिटरली डैडी की बनियान भी ऐसी होती है। मेरी बड़ी है मम्मी ऑब्वियसली से बड़ी है, लेकिन ये बेस्ट टॉप है। ये मतलब लिटरली बस चीजों के नीचे पहनने के लिए, या मतलब ऐसे भी पहन सकते हो, लेकिन ज्यादा महंगा नहीं है। 322 रुपीस का ही है।
और मेरी बर्थडे पर मैंने भी खुद को कुछ गिफ्ट दिया था, और वो गिफ्ट था ये। मैंने खुद को ही गिफ्ट किया था, ये मैंने जिमी चू का वो लिया था परफ्यूम। मेरा बहुत मन था एक अच्छा सा परफ्यूम लेने का। मैं ज़्यादा तो परफ्यूम नहीं लगाती, लेकिन कभी बाहर निकलती हूँ तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है परफ्यूम लगाना, तो मैंने ये वाला लिया था जिमी चू का। मेरे मम्मी को बहुत फोर्स करके जिमी चू मैंने नहीं गिफ्ट किया था भैया, परफ्यूम नहीं, ये मैंने खुद लिया है, ये मैंने शॉपर स्टॉप से लिया था। इसकी खुशबू भी फ्लोरल है, बहुत अच्छी है, और पता है लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी देर रहती है। कभी कभी आप लोग पूछते हो ना कि कोई अच्छा सा परफ्यूम बताइए, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा एमके का भी ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे ब्रांड्स हैं। उसका बहुत पसंद आता था वो मार्क जेकब, वो भी बहुत माइंड ब्लोइंग है। उम्मी आपने शार्प किया था क्या नाइफ? ये वाला नाइफ मैंने इससे शार्प किया था ना, नाइफ शार्पनर से। बहुत तेज हो गया है नाइफ, बिल्कुल शार्प हो गया। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा येलो पेपर काट लिया, अब मैं काट रही हूँ ग्रीन पेपर। बस पेपर और अनियन का ही बना लेते ना मम्मी। हाँ इजी वाला बना लो, अभी इतनी हिम्मत बची नहीं है, बहुत थक गए हैं। 7 to 8 hours बाद मन भी नहीं कर रहा पुलाव का। पर पता है ये सोचा कि वाले थोड़े अलग टेस्ट के होंगे, तो इस वजह से मन कराया। और पता है वो शॉप बड़ी मस्त थी मम्मी, छोटी छोटी चीजें वहाँ पे बहुत अच्छी थी, जितनी भी आपको मिल जाएंगी बाहर किसी भी कंट्री की थी, एशियन कंट्रीज की थी और यूएस की थी, ब्रिटिश रीजन की, सारी मतलब बेसिकली सारी स्वीट्स जो आप इमेजिन कर सकते हो वो वहाँ पे थी। छोटा हुआ बच्चा, या जब से आया तब से सो रहा है, निकल रहा है ये छोटा सा बच्चा मेरा गुड्डू। मम्मी ऐसा कितना वियर्ड होता है, जैसे कभी भी हम बच्चों से या डॉगी से बात करते हैं तो हमारी बेबी वॉइस हो जाती है। दो पिज्जा कैसे बन जाएंगे इतने छोटे से ओवन? एक एक वो थोड़ा ज्यादा बेक हो जाएगा, उसको थोड़ा जल्दी पहले निकाल लेना। हाँ हाँ, एक नीचे वाले को कम बाद में निकालूंगी, इसको जल्दी। इसमें ना सारी ओरिगैनो पड़ी हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हर्ब्स होती है ना। ये हर्ब्स वाला ही है, हर्ब पिज्जा बेस। चलो खोल के लो दिस हार्टी हबी पिज्जा बेस विद योर फेवरेट सॉस एंड टॉपिंग्स। ओ सॉस चलाना ही भूल गए। और यहाँ पे ये मजेदार पिज्जा बेस, वाओ बिल्कुल थिन क्रस्ट भी है। ओ थिन क्रस्ट पिज्जा मुझे बहुत पसंद है। तो ये एक आया इधर और एक दूसरे वाला उसमें लगा रहे हैं। थोड़ी सी मेयो भी लगा देना, थोड़ा जल्दी काम हो जाए। थक गई हूँ लेकिन खाना भी बनाना है। खाना बनाना, ये कैसा खाना बनाना है? एक्चुअली तेरे डैडी तो नहीं खाएंगे ना। हाँ ये तो है, उनका अलग ही खाना है। तो धीरे धीरे ना घर में चेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि दिवाली आने वाली है, और दिवाली से पहले आपको पता ही है कि मैं घर में थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेस करती हूँ, जिससे कि जो दिवाली है वो थोड़ी सी डिफरेंट लगे, घर थोड़ा डिफरेंट लगे, क्योंकि वही घर फिर पूरा एक साल हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे लास्ट ईयर मैंने अपने बेडरूम के कर्टेन चेंज करे थे, और अब इस साल नहीं करूँगी क्योंकि इस लास्ट ईयर करे थे तो 2-3 साल तो चलाऊँगी उन्हें, तो इस बार बेडरूम के नहीं करूंगी लेकिन कहीं और के करूंगी। मुझे लग रहा है मुझे लिविंग रूम के करने चाहिए कायदे में, क्योंकि लिविंग रूम के ही कर्टेन है जो कि मैं 2-3 साल से पड़े हुए हैं हमारे, हर बार ड्राई क्लीन होते हैं। पिज्जा थिन क्रस्ट बना तो नहीं खाओगे ना? खाऊंगा क्यों नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैंने राइस बना दिया। राइस बना दिया मेरे लिए? मैं सिर्फ राइस ही खा सकता हूँ? नहीं ये भी खा लो, टेस्ट कर लो, और बनाने तो और भी रखे हुए पिज्जा। नहीं बस यही यही, आगे फिर बना लेंगे, जल्दी बना लेना खराब हो जाएगी। हाँ ये कल तक बना लूंगी मैं। अब तो खुश हो? मैं तो हमेशा ही खुश हूँ। तुमको ही लग मेरा मतलब 26,000 रुपए का तुमने बिल फटवा दिया। अच्छा खुद ही तो लेके गए थे मुझे। मजाक कर रहा हूँ। अभी पिछले कुछ दिन ऐसे गए ना कि थोड़े से तबीयत वगैरह सही नहीं थी, तो दिमाग सभी का मतलब थोड़ा सा ऑफ था, मूड ऑफ था, तो मैंने कहा चलो चेयर अप करने को ले जा रहा हूँ। मेरा बर्थडे गिफ्ट का भी देना मेरा ड्यू था इसको, तो मैंने दे दिया। प्रशांत ना हमेशा मेरा बर्थडे गिफ्ट मुझसे ही पसंद करवा के लेते हैं। हाँ अगर मान लो कोई भी चीज महंगी सी दे दो और उसके बाद जो भी पसंद है अपने मर्जी से लाए थे। हाँ। मम्मी कह रही थी अच्छा तो है लेकिन मुझसे पूछ रहे थे। मुझे ना सरप्राइज में गिफ्ट नहीं पसंद, पता नहीं संभव मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी चॉइस का होना चाहिए, तो मैं इसलिए सरप्राइज नहीं रखता। मैं रीमा को ले जाता हूँ, मैं कहता हूँ चलो तुम ये ले लो, तुम्हारा बजट। मुझे सरप्राइज में ये सब पसंद आता है, जैसे प्रशांत कभी मेरी बर्थडे पे बुकिंग वगैरह करा लेते हैं, हम लोग कहीं चले जाते हैं खाना वाना खाने, ये सब चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन जब गिफ्ट की बात आती है तो मैं हमेशा से प्रशांत को यही बोलती हूँ कि यार वो मेरी चॉइस से ही लेना। मुझे ना वो ऐसा लगता है कि पैसे भी डाले उसमें और वो मेरी चॉइस का भी नहीं आया।
वैसे तो मैं आपको बोल रही थी कि मुझे सरप्राइज गिफ्ट नहीं पसंद है, लेकिन जब लास्ट ईयर हमारी एनिवर्सरी थी और प्रशांत ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट में ये ब्रेसलेट पहनाया था, आपने देखा होगा मेरा एनिवर्सरी वाला वीडियो, मम्मी पापा वगैरह भी थे साथ में, तो तब उन्होंने मेरे को ये पहनाया, तो मैं बिल्कुल सरप्राइज रह गई थी कि इतना प्यारा, इतना अच्छी चॉइस आपकी है, इतना प्यारा गिफ्ट आपने मुझे दिया है। इसके बारे में तुमसे तुम बता रही थी। हाँ, बहुत लोग ये हाथ वाला मंगलसूत्र है, तो आजकल बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन के भी चल रहे हैं। रीमा बहुत दिन से ये भी कह रही थी, पिछले साल तक मतलब कहती थी जब ये मिल गया, अब नहीं कहती, तो उसके बारे में एक्चुअली मुझे सबसे यूजफुल लगता है इसमें। हाँ। ना मुझे सोचना नहीं पड़ता, जितने भी कड़े वगैरह आप पहनते हो या ब्रेसलेट पहनते हो वो हैवी होते हैं, ये लाइट वेट है, तो हाथ भी भरा सा रहता है और आपको कंफर्टेबल है। ये नहीं कि किचन के काम करने में कोई वो हो, प्रॉब्लम हो। कभी कभी पहले मेरे पास एक और ब्रेसलेट है, तुम्हें याद है ना प्रशांत, कड़े के जैसा। हाँ। वो भी मेरे पास है, वो तो कड़े वाला ब्रेसलेट जो था वो मैंने तीन चार बारी पहना, वो मुड़ जाता है क्योंकि मतलब वो किचन में मैं काम कर रही हूँ, स्लैब पे लगा वो मुड़ गया, तो फिर इसने पहनना ही बंद कर दिया। तो यहाँ पर कशिश ने हमारी बातों के साथ साथ पिज्जा भी तैयार कर दिया, तो ये है हमारा बातों वाला पिज्जा। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इस पर हमें सीजनिंग करने की जरूरत है। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को तो मैं यहीं पर एंड करती हूँ और कल मिलूंगी आप लोगों से एक और अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं और आप आगे भी मेरे ब्लॉग से जुड़ा रहना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी ना वो आपसे पहले आपके पास जाए। हाँ, आपके YouTube स्क्रीन पर तुरंत आ जाएगी और आप तुरंत वॉच कर सकते हो नई नई वीडियोस। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, जो बटन नीचे दिया हुआ है उसे बस प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं तो इस वीडियो के नीचे जाके कॉमेंट जरूर करना कि आपने ये काम कर रखा है। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगेगा और मिलेंगे कल आपसे फिर से। बाय बाय बाय। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना, और भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियो बनाने का फिर मेरा मन करता है आप लोगों के लिए।